Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म अमर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म जवान के डे नंबर 10 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया, जैसे हमने सुबह कहा था कि 4 बजे कलेक्शन मत दीजिए भाई, दोपहर में 1-2 बजे दे दीजिए, तो वही हुआ है। द कलेक्शंस हैव अराइव्ड अर्ली इन द आफ्टरनून। क्यों गाइस? वो एक्साइटमेंट रहती है ना कि कल कितना कलेक्शन आया, वो सुबह दोपहर तक रहती है। शाम होते होते जो ऑडियंस रहती है, जनता रहती है, उनकी रुचि आज कितना आ रहा है उसमें हो जाती है। तो फाइनली कलेक्शंस जल्दी आए हैं एंड व्हाट नंबर्स, आई हैव गॉन कंप्लीटली क्रेजी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्ले टू द गैलरीज एंड शाउट आउट द रिकॉर्ड्स लाउड एंड लाउड, क्योंकि गाइज शाहरुख खान हैज स्मैश्ड 400 करोड़ क्लब हिंदी नेट इन जस्ट 11 डेज। यस फ्रेंड्स, इससे पहले 12 दिन का रिकॉर्ड था कि शाहरुख खान जो है वो यहाँ पर पठान के द्वारा उन्होंने 12 दिनों में 400 करोड़ जो है वो प्राप्त किए थे। गदर 2 ने भी 12 दिन में 400 करोड़ क्लब जो है वो एंटर किया था हिंदी में। लेकिन गाइज इसके बाद भी फिल्में आएगी जो इस 400 करोड़ में जाएगी, लेकिन ये है टाई ब्रेकर। आपको टाई ब्रेकर याद रखना होगा कि एग्जैक्टली सिर्फ 400 नहीं कमाया था, एक नंबर है जो कि मैं एपिसोड के एंड में दूंगा, वो नंबर अगर बीट किया तब वो फिल्म जो आगे जाएगी, वरना भैया 11 दिन में जवान का रिकॉर्ड तो जवान ही रहेगा। इसी नोट पे आज के एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस, इस फिल्म ने फ्राइडे को 18.10 करोड़ कमाया था। सबको लगा था जो मंडे गैंग है जो हमेशा आती है, मंडे फिल्म गिर जाएगी, अरे गिर जाएगी मंडे फिल्म। ये गैंग हर पिक्चर में एक्टिव हो जाती है, ये गदर 2 में भी एक्टिव हुई थी, मंडे पिक्चर गिर जाएगी। वो फिल्म क्या करा आप देखा आप लोगों ने, वो गैंग वापस से जवान में भी एक्टिव हुई थी, अरे मंडे देख पिक्चर गिर जाएगी। मंडे चले गए, सैटरडे आ गए, लेकिन जवान गिरने का नाम नहीं ले रही। जवान टुक अ मैमथ जंप। सुबह के एपिसोड में मैंने आपको बताया किस तरह से 29 करोड़ तो फिल्म का गारंटी है अगर रात के शो सही बैठे, क्योंकि ऑक्यूपेंसी बाप आई थी। मैं आपको कल ही बोला था रात की ऑक्यूपेंसी में जंप है, 44 से 53 हुआ है, तो ब्रेस योरसेल्फ्स, ये 30 करोड़ के ऊपर गई है। एंड द फाइनल ऑफिशियल कलेक्शन फॉर शाहरुख खान जवान इन द हिंदी वर्जन इज 30.10 करोड़। मैसिव, ब्यूटिफुल डे 10, सेकेंड सैटरडे 30.10 करोड़ इज अ सॉलिड नंबर। एंड गाइज, इस फिल्म के अब जो कलेक्शन है नेट वो 396.18 करोड़ हो गए। 10 दिन में 396.18 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गाइज यहाँ पर। एंड मेरे और प्रेडिक्शन ऑफिशियल कलेक्शन में सिर्फ 10 लाख का अंतर है। साउथ कल क्या बोला था हम भाई, 1 का डबल हो जाएगा बोले थे कहने भाई, तो 1 करोड़ कल आया था एंड आज 2.20 करोड़। साउथ के कलेक्शन 46.45 करोड़ हो गए हैं। ब्रेस योरसेल्फ्स, शाहरुख खान जवान हिंदी में 396.18 करोड़, तमिल तेलुगु 46.55, द ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ शाहरुख खान जवान 442.73 करोड़। मैसिव, ह्यूज, ह्यूमंगस। पठान का रिकॉर्ड जो है वो 543.22 करोड़ का है ऑल लैंग्वेजेस, एंड अब उसको पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए और 100.49 करोड़ चाहिए। बहुत सारा है भाई, बहुत नंबर है, बहुत वक्त लगेगा भाई, इतना जल्दी नहीं होगा। सर, आई वॉज सरप्राइज फॉर यू, कम ओवर हियर। आज बात करते हैं डे नंबर 11 की। मैंने सुबह ही बताया मेरा हिंदी का प्रेडिक्शन जो है वो 35 करोड़ रुपीज का है, यानी कि 35 करोड़ का है, साउथ का 2.5 करोड़ का अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि भैया मैच शुरू हो गए भाई, वही एक दिक्कत है, वरना आज तो 35 के ऊपर जाता था तो अलग ही उपलब्धि होती। लेकिन फिलहाल अब तक लग रहा है कि 35 जाएगा, तो 37.5 करोड़ इसका जो कलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिंदी तमिल तेलुगु का आएगा। तो ब्रेस योरसेल्फ्स, अगर 37.50 करोड़ रुपीज जो है वो कमा लेती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने 11th डे पर, तो इसके कलेक्शन जो है वो 480.23 करोड़ पर चले जाएंगे। यस फ्रेंड्स, ऑल लैंग्वेजेस हिंदी प्लस तमिल 480.23 करोड़ पर चला जाएगा। लेकिन KGF चैप्टर 2 के आइए भैया रॉकी, आइए फिर से हराने की बारी आ गई आपके, आइए इस बार आपको विक्रम राठौड़ हराएंगे। KGF चैप्टर 2 का हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड है 434.70 करोड़। एंड अगर शाहरुख खान की फिल्म जवान अपने 11वें दिन पर यानी कि आज 35 करोड़ कमाती है, देन 11 दिन में शाहरुख खान 400 करोड़ क्लब एंटर करेगा। लेकिन नंबर याद रखना 432 प्लस करोड़,
432, अगर इसके बाद कोई पिक्चर आती है 400 करोड़ क्लब में एंड 433 कमाती है 11 दिन में, तब वो आगे जाएगी, वरना जवान का रिकॉर्ड 11वें दिन का रहेगा। और 10 दिन में अगर कोई तोड़ सकता तो बहुत वेलकम हो भाई, मेरे को तो बस टाइगर वर्सेस पठान पर ही भरोसा है कि वो ये रिकॉर्ड तोड़ेगी, और डंकी पर भरोसा है कि वो ये रिकॉर्ड तोड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनीवन डूइंग दिस मैजिकल नंबर। अब गाइस अगर 432 प्लस करोड़ आया देन पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इसको और बस 63 करोड़ चाहिए। अभी तो 100 बोला भाई, सर आज का कलेक्शन ऐड किया ना, कैसा लगा? शॉक लगा 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 शॉक लगा लगा 63 करोड़ और दिस इज चॉकलेट फॉर शाहरुख खान। एकदम आराम से टूटने वाले हैं सब रिकॉर्ड। शाहरुख खान बनाया ये रिकॉर्ड अपना कि मैं खुद का आके रिकॉर्ड तोड़ के जाऊंगा, एंड वो कैप्शन जो मैं आज से ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से दोहरा रहा हूँ, इट्स SRK vs SRK, इट्स शाहरुख खान वर्सेज शाहरुख खान, जीरो कॉम्पिटिशन। उन्होंने कॉम्पिटिशन जो है ना उसको साफ कर दिया है, सीधा नथिंग स्टैंड इन फ्रंट ऑफ शाहरुख खान। तो भैया आप वर्ल्ड वाइड बता दीजिए सर, वो 4 बजे के बाद आएगा, आप तब तक चाय पियो तब तक कलेक्शन आ जाएगा। तो भैया स्वेस इंडिया का कलेक्शन था, अब इंतजार कीजिए जब वर्ल्ड वाइड पोस्टर आएगा, तो फिर मिलेंगे अलग एपिसोड में डिस्कस करने, क्योंकि वर्ल्ड वाइड नंबर्स तो पागल आने वाले हैं। सो गाइस हिंदी नेट इसका 30.10 करोड़ का आया है, साउथ का 2.20, तो हमारे पास 32.30 करोड़ नेट है। इसका ग्रॉस कहीं ना कहीं 38 होता है। कल मैंने ओवरसीज का प्रेडिक्शन सिर्फ 16 करोड़ दिया था, लेकिन जो नंबर्स आए हैं दे विल शैटर यू, दे विल कंप्लीटली डिस्ट्रक्टेड द बॉक्स ऑफिस। एंड अब जो नंबर्स आए हैं ओवरसीज के वो कहीं ना कहीं 25-26 करोड़ के हैं। तो अगर सब कुछ सही बैठा तो आज का पोस्टर 799 से 800 करोड़ का आने वाला है। वही थंबनेल जो मैंने कल रात को लगाया था वो अब आने वाला है, ऊपर नीचे हो तो फर्क नहीं पड़ता, द नंबर विल बी वेरी क्लोज टू दिस, कि ओवरसीज फट चुका है कल कलेक्शन। इंतजार कीजिए, जल्दी कीजिए, रेड चिलीज पोस्टर रिलीज कीजिए, एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे इंडस्ट्री के लिए। एक फिल्म 10 दिन में 800 करोड़ कर रही है, आई एम वेटिंग फॉर दैट। आर यू? स्टे कूल मैन।